कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में पुरी शहर से पुरी जिले ओडिशा भारत में समुद्र तट पर 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। मंदिर को 1250 सी के बारे में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हादेव एक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सूर्य भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर परिसर में विशाल पहियों और घोड़ों के साथ 100 फुट 30 मीटर ऊंचे रथ की उपस्थिति है जो सभी पत्थर से नक्काशीदार हैं। एक बार 200 फीट से अधिक ऊंचा मंदिर का अधिकांश हिस्सा अब खंडहर में है। विशेष रूप से अभयारण्य पर बड़े शिकारा टॉवर एक समय में यह मंडप की तुलना में बहुत अधिक गुलाब संरचनाओं और तत्वों है कि बच गया है उनकी जटिल कलाकृति आइकनोग्राफी और विषयों के लिए प्रसिद्ध हैं। कामुक कामा और मिथुना दृश्यों सहित इसे सूर्य देवालय भी कहा जाता है। यह वास्तुकला या कलिंग वास्तुकला की ओडिशा शैली का एक क्लासिक उदाहरण है। कोणार्क मंदिर के विनाश का कारण स्पष्ट नहीं है और अभी भी विवाद का एक स्रोत बना हुआ है। सिद्धांतों में 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच मुस्लिम सेनाओं द्वारा कई बार बर्खास्त किए जाने के दौरान प्राकृतिक क्षति से लेकर जानबूझकर मंदिर के विनाश तक शामिल हैं। इस मंदिर को 1676 की शुरुआत में यूरोपीय नाविक खातों में ब्लैक पगोडा कहा जाता था क्योंकि यह एक महान स्तरीय टॉवर की तरह दिखता था जो काला दिखाई देता था। इसी तरह पुरी में जगन्नाथ मंदिर को सफेद पगोडा कहा जाता था। दोनों मंदिरों ने बंगाल की खाड़ी में नाविकों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में कार्य किया। आज मौजूद मंदिर को ब्रिटिश भारत युग की पुरातात्विक टीमों के संरक्षण प्रयासों द्वारा आंशिक रूप से बहाल किया गया था। 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना हुआ है जो हर साल फरवरी के महीने के आसपास चंद्रभागा मेले के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए 10 रुपए के भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की ओर दर्शाया गया है।